शहर भाई एग्जॉस्ट के कारण यहाँ पे पुलिस आ गए, मतलब हम लोग खड़े थे भाई वहाँ पे, देख रहे हो भाई आप लोग को पता नहीं होगा बट मैं कंट्रोल में ही चलाता हूँ। जबरदस्त राइड होने वाली भाई आज तो। एवरीवन, हम लोग पहुंच चुके थे राजीव के घर भाई, और ये चेक करो भाई अपनी रैप्टर जो कि पूरी तरह से गंदी हो चुकी है। एंड मैं आप लोग को राजीव का बाइक चेक कराता हूं भाई, इसने लगा लिए भाई ये जो पैर रखे स्टंट करते हैं गैब्रियल प्लस क्रेस गार्ड, और सामने देख रहे हो भाई सुपर डीप का कुछ जुगाड़ करके भाई ने लगा दिया यार। काफी सुंदर लग रही है भाई इसकी बाइक, ये पूरा जो है मेटल से बनी हुई है, लेकिन इससे जो है वजन ताकि बढ़ चुका है यार, तो फिर स्टंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और ये शॉक ऑफ रोड का है, चेक कर सकते हो। तो हम लोग भी अपनी गाड़ी को कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशन करेंगे भाई, अपनी रैप्टर तो अभी सिंपल है, तो हम लोग भी इसमें जो है गैब्रियल इंस्टॉल करेंगे प्लस क्रेडिट कार्ड, और हेडलाइट अपना का जो भी है ना भाई यही रहेगा, तो इस टाइप की हेडलाइट हम लोग नहीं लगाने वाले हैं। तो राजीव भाई बोल रहा है कि इसका जो है ना अभी हैंडल भी चेंज करनी है। तो गाइज़ अभी हम लोग नहाते हैं धोते हैं फिर मिलते हैं आप लोग से यार, क्योंकि हम लोग अभी उठे हैं, कल रात को हम लोग पहुंच गए थे लेट नाइट, तो ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। तो गाइज़ चलो यार मिलते हैं आप लोग को नहाने के बाद। शो वाइज ये चेक कर रहा, हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं राजीव के बाइक में एग्जॉस्ट डालने के लिए। तो गाइज़ इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट है ना भाई बहुत ही कॉमन सा साउंड आ रहा है, तो भाई बोल रहा है कि एग्जॉस्ट डालूंगा आज के लिए, देख रहे हो भाई इसका बाइक। सो गाइज इसको हम लोग निकाल के एससी प्रोजेक्ट का जो है ना एग्जॉस्ट डालने वाले हैं, तो अभी चलते हैं भाई अपनी रैप्टर एंड भाई का बीस्ट लेके। शो वाइज दे रही हो साइलेंसर भाई जो हम लोग डालने वाले हैं एससी प्रोजेक्ट का, वे मेरे ऊपर चिल्ला रहा है देख। गाड़ी बेस ज्यादा मत दे, पूरा ढीला हो जा रहा है इसका, देखे दे ना कुछ ही दिन में गाड़ी की वाट लगने वाली है गाइस। हम लोग निकल चुके हैं राइड पे, आज अपने पास है एक R15 V2 एंड NS 200 और अपनी रैप्टर, आगे से जो है ना भाई और भी बाइक ज्वाइन करेंगे, तो चलो यार चलते हैं फुल पावर 15 अगस्त सुबह इंजॉय करते हैं। चेक करो था NS 30 राइडर फुल स्टार्ट, एग्जॉस्ट लगाने के बाद फिर भाई समझ रहे हो यार, अगर हम लोग भी लोकल रहते ना भाई तो आज हम लोग भी जो एग्जॉस्ट लगा लेते अपनी गाड़ी पे। काफी जबरदस्त राइड होने वाली भाई आज तो। ओ भाई साहब यार, तो गाइस ये चेक करो भाई अपनी रैप्टर एंड भाई की बीस्ट एंड ड्यूक 250 और NS 200। भाई ड्यूक 250 और NS 200 में जो है एग्जॉस्ट लगी हुई है, बाकी दोनों बाइक अपनी जो साइड साइड में लगी हो वो स्टॉक है। तो गाइस आगे से और भी बाइक्स हम लोगों को ज्वाइन करने वाली है, तो चलो यार चलते हैं, आज जो है बहुत धमाकेदार राइड होने वाली है। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। भाई अपन लोग निकल चुके हैं, राजीव भाई को देखो यार तिरंगा जो पीछे अपने में लटका लिया है। एक्चुअली भाई हम लोग को जो है रस्सी नहीं मिल रही थी, तो इस कारण गाड़ी पे जो है तिरंगा को बांध नहीं पाए हैं, बट आगे चल के भाई गांव में हम लोग जो है ना भाई तिरंगा बांध लेंगे भाई। तो आज जो है फुल पावर मौज करने वाले हैं यार, तो आप लोग को भी फुल एंजॉय कराएंगे आज अपन लोग भाई। आज जो है 100 से नीचे नहीं चलने वाली है गाड़ी, आवाज चेक कर रहे हो भाई क्या आवाज है यार इस बाइक की।
से एक गाड़ी अपने साथ ज्वाइन हो गई है भाई, और ये द NS30 राइडर, वो भाई का नाम नहीं पता और वो है द हनी मंडल। सो गाइस आगे से और भी बाइक जो है ज्वाइन होने वाले हैं हमारे साथ, तो चलते हैं भाई। अभी जो नेक्स्ट रेस्ट होगा ना, हम लोगों का थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, वो केसकाल में रहेंगे भाई। ये दूध वाला वाटरफॉल आई डोंट नो कहाँ है, भाई बोल रहा है कि वहीं जाएंगे, तो मैप पे हम लोगों ने सर्च किया भाई, 90 किलोमीटर समथिंग दिखा रहा था भाई दूध वाला वाटरफॉल। ओ हो भाई, बंदा कैसे भी निकाल ले रहा है यार, रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है। ऑफ रोडिंग इंडियन रोड में आप लोग को ऑफ रोडिंग नहीं मिले तो फिर इंडियन रोड नहीं कहलाएगा मेरी जान। भाई बंदा क्या ही चला रहा है यार, यहाँ पे सारे बाइक्स जो है 200 से 250 सीसी तक का है, लेकिन अपनी रैप्टोरी 150 सीसी की है भाई। फिर भी देखो यार, हनी मंडल भाई को हम लोगों ने कर दिया पीछे। तो भाई तो हनी मंडल का भी जो है ना भाई चैनल है, तो भाई ने, भाई के पास गोप्रो नहीं है भाई, इसका गोप्रो डैमेज हो गया ना, तो इसी कारण ये ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा है। ओ भाई गाइस यहाँ पे लेंगे स्टॉप, भाई अचानक से हाथ मार रहा है पागल इंसान। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं केसकाल बस स्टैंड, अब पता नहीं भाई यहाँ से कहाँ जाने का प्लान है, लेकिन चारों बाइक्स देखो और अपनी रैप्टोर देखो भाई। तो चलो यार अपनी रैप्टोर को भी लगा लेते हैं साइड में भाई लोग के। क्या कर रहे हो भाई, लाइनिंग चेक करो भाई आज की। अभी जो है ना भाई 390 RS 200 बहुत सारी बाइक्स जो है ज्वाइन होने वाली है हमारी इस ग्रुप पे, तो चलो यार फुल एंजॉय करते हैं। आज कुछ बोला नहीं जाएगा, बस आप लोग राइड एंजॉय करो। सो भाई सारे राइडर्स जो है फुल तूफानी में जा रहे हैं, बट हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है भाई, और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8:30। देख रहे हो भाई क्या ही लग रही है यार गाइस, जब ये बाइक एक साथ चल रही है, साथ में तीनों बाइक में एग्जॉस्ट है, हनी भाई के बाइक में और मेरे बाइक में जो है एग्जॉस्ट नहीं है भाई, लेकिन बाकी तीनों बाइक में एग्जॉस्ट लगी है, एक्राफोविक प्लस SC प्रोजेक्टर और यूसी मोरा फुल पावर मेरी जान। गाइस आप लोग को मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि बाइक्स की शोर इतनी ज्यादा है ना भाई कि क्या बताओ। ओ भाई फुल पावर, फुल जोश में भाई, फुल जोश में, बस ऑफसी में क्रैश ना हो जाए भाई, बाकी सब सही है। देख रहे हो कहाँ कहाँ से निकाल रहे हैं यार बंदे लोग। वो भाई ट्रक वाला कंफ्यूज हो गया यार कि मैं काटू तो काटू कहाँ से। अभी जबरदस्त मौसम हो चुकी है भाई, देख रहे हो स्टार्टिंग में मेरे को डर लग रहा था कि भाई मैंने इतना मोटा टी शर्ट जो है वेयर कर लिया तो कहीं मैं गर्मी के मारे मेरी हालत ना खराब हो जाए, बट जब राइड कर रहे हैं ना भाई, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है तो सही है यार, चॉइस सही थी हम लोगों की भाई। सोलो राइड सोलो राइड सोलो राइड का फुल एंजॉय कर रहे हैं लोग। ओ भाई ब्रेक मार रहा है पूरा खत्म। 200 जो ज्वाइन कर लिया, ये चेक कर रहे हो भाई, हनी भाई चला रहे हैं RC 200। भाई आवाज चेक करो यार, फ्लैग्स चेक करो यार, हम लोग को भी बोल रहे थे फ्लैग्स लगा लो, बट हम लोग पहले से डबल है ना भाई, तो फ्लैग्स जो है और पीछे खींचेगा,
तो इसी कारण हम लोगों ने फ्लैग्स जो है नहीं लगाया भाई। लेकिन ये चेक कर रहे हो भाई आरसी 200 पे फ्लैग्स क्या लग रही है भाई। सारे बाइकर्स पास फ्लैग्स होती ना भाई तो फिर अलग ही मौज होता है यार। गाइस इसीलिए मैं सबसे आगे नहीं रहता। चेक कर रहे हो भाई फुल तबाही राइड चल रही है यार। ये चेक करो भाई मिली, चेक करो मिली। एक्शंस देख रहे हो भाई। घंटी बोल रही है भाई धीरे जाओ धीरे धीरे। बट आप लोग को पता नहीं होगा बट मैं कंट्रोल में ही चलाता हूँ मेरी जान। ये लोग पहुंचा दिए हम लोग को बाजार के अंदर भाई। फुल पावर गूंज रहा है भाई इन लोगों का एग्जॉस्ट तो। यहाँ पे फ्लैग्स जो है टच हो रहे थे यार। चला 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 नहीं है नहीं है चल चल चल। भाई साहब फुल पावर यार फुल पावर गाइस जबरदस्त। शहर भाई लोग यहाँ पे लिए हम लोग थोड़ी देर का रेस्ट। तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं भाई देन मिलते हैं आप लोग को। लेकिन लाइनअप चेक कर रहे हो भाई फर्स्ट राइड है भाई। मैं पहुँच चुके हैं घाटी पे और पहली बार मैं बाइक से जा रहा हूँ यार घाटी से। और पीछे ना मेरा गोप्रो का बैटरी जो है ख़त्म हो गया था तो गोप्रो का बैटरी चेंज करते करते भाई लोग जो है बहुत आगे चले गए यार। तो अभी हनी भाई के साथ हम लोग पीछे है बट घाटी चेक कर रहे हो भाई। ये है यार घाटी है ये मेरी जान। तो इस बंदे के पीछे पीछे रहेंगे हम लोग। भाई बोल रहा है आराम से चला भाई कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों को जाने दो आगे जाके मिल ही लेंगे। घाटी देख रहे हो भाई खतरनाक यार घाटी खतरनाक तो है इसमें कोई डाउट नहीं है। बट भाई ये चेक करो भाई चेक कर रहे हो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरी जान इस पे चलना। और घाटी पे मैंने आज तक कभी राइड नहीं करी है। देख रहे हो भाई घाटी तो खतरनाक है इसमें नो डाउट। उसके बाद ना भाई ये जो रोड है ना ये भी बहुत गंदा है यार। गाड़ी में ब्रेक नहीं रहेगा ना भाई तो इंजन कंट्रोल नहीं कर पाओगे इस पे। देख रहे हो निकाल ले मेरी जान तेरे पीछे अपन लोग हैं। देख रहे हो भाई एरो देखो यार कैसे टाइप एरो बना दिया बंदा देख के ही डर जाएगा भाई। चेक कर रहे हो गाइस वो भाई मेरे को तो अंदर से डर लग जा रहा है यार। बिकॉज हम लोग अभी अभी राइड करना शुरू करे हैं ना भाई इसके चलते बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कभी ऐसे राइड करे नहीं है यार हम लोग। भाई धूल देखो यार क्या ही धूल है मज़ा आ गया।
खतरनाक भाई, अल्टीमेट। यहाँ पे हम लोग का वेट कर रहे थे बजरंगबली, इतनी सारे बजरंगबली लोग हैं ना भाई कि क्या बताऊँ आप लोग को मैं। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट ले लिए थे तो यहाँ से हम लोग जो है ना निकल रहे हैं भाई। आई डोंट नो यार, ये भाई लोग बस घुमा ही रहे हैं। इन लोगों को अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि जाना कहाँ है। देख रहे हो गाइस, ये बंदा ना कुछ ज्यादा ही रस राइड कर रहा है यार। उसको देखते हुए पीछे वाला भी चला ले रहा है, फिर उसको देखते हुए पीछे वाला भी रस राइड कर रहा है। लगा लिए ना भाई, पूरा कान इरिटेट हो जा रहा है यार बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट जैसे जैसे लंबा राइड करे ना भाई इसके साथ तो पूरा कान की वाट लग गई यार। तो देखो यार, इस गाड़ी की कलर देखो भाई, मतलब ग्राफिक्स देखो यार, नेक्स्ट लेवल यार। एक बार जब मैंने देखा ना भाई तो मेरे को लगा कि आप लोग को बता देना चाहिए। ये NS200 जो है ना भाई, BS6 है, अभी न्यू कलर में आई है, काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन इसकी कलर चेक करो गाइस, क्या लग रही है भाई। इस बाइक के पास जाके आप लोग देख सकते हो भाई, इसका इंस्टा आईडी है, इसको भी फॉलो कर लो। लेकिन कलर का जो डिज़ाइन है ना भाई, क्या नेक्स्ट लेवल यार, मज़ा आ गया भाई। तो V4 हम लोग जो सोच रहे थे ना भाई, ये वाली V4 है, लेकिन हम लोगों ने सोच लिया कि हम लोग V4 नहीं लेंगे, MT15 को ही पूरा स्टैंड बाइक में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन गाइस पसंद आ गया भाई इस बाइक पे, देख रहे हो कलर क्या लग रही है भाई। RS 200 बस स्टैंड है ये सर। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पानी वानी पीते हैं भाई, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। बहुत ज़्यादा बजाते हुए आए भाई, सारे बाइक्स में जो है एग्जॉस्ट लगी चुकी है। ये देखो भाई, RS पे भी एग्जॉस्ट लगी है भाई, मैंने देखा ही नहीं था। ऐसे प्रोजेक्टर किया है लेकिन भाई ने पूरा ब्लैक कर दिया है। और इस पर चेक करो यार, एक्रा बॉबिक प्लस, इसमें भी देखो भाई एक्रा बॉबिक की एग्जॉस्ट भाई। इस एग्जॉस्ट का कलर ही चेंज हो गया भाई, इतना ज़्यादा इन्होंने जो है रैप किया। और इसका तो आप लोग को तो पता ही है भाई, इसका जो है ऐसे प्रोजेक्टर है विदाउट DP किलर। तो यार गाइस चलो मिलते हैं आप लोग को सीधा यार। भाई एग्जॉस्ट के कारण यहाँ पे पुलिस आके, मतलब हम लोग खड़े थे भाई वहाँ पे, आके जो है एग्जॉस्ट चेक कर रहे हैं यार। मेरे को डर लग रहा है भाई कि इनका कुछ एग्जॉस्ट के कारण कुछ हो ना जाए। आप लोग चेक करो भाई, दूर दूर तक समुंदर है भाई। जगदलपुर से अराउंड 250 या 230 किलोमीटर दूर है। आप लोग गूगल मैप कर लो भाई। तो यार आप लोग को मैं अभी जो है अपने ग्रुप की कलेक्शन दिखा देता हूँ, ये चेक करो भाई। चलो चक्का का उठा, कौन कौन उठाता है यार, वीडियो बना दे भाई। शो भाई टोटल गाड़ी बॉम्ब।
आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं यार, बिकॉज हम लोग की पूरी एनर्जी जो है लो हो चुकी है। ये चेक करो भाई, बहुत लंबा है यार, यहाँ से कुछ दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है। इस नदी के उस पार ना, मतलब इस समुंदर के उस पार ना का श्रीलंका ऐसा बोला जाता है, ये बड़वा हमको बता रहा था, अभी का हमको नहीं पता। तो यार गाड़ी चलो यार, अपने घर की बैटरी भी लो हो चुकी है, तो वीडियो को करते हैं, पेन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बीच राइट।